दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या आपको मालूम है पुलिस वाले मोबाइल को कैसे ट्रैक करते हैं? शायद नहीं मालूम होगा, आज के इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। जब कभी भी किसी का फोन खो जाता है तो वो सबसे पहले पुलिस कंप्लेंट करता है, और पुलिस कंप्लेंट करने के बाद पुलिस उसका फोन कहीं से भी ढूंढ कर दे देती है। ऐसे में आपके दिमाग में सवाल आते होंगे ना कि आखिर कैसे पुलिस किसी का फोन ट्रैक कर देती है। फिर चाहे वो किसी मुजरिम का सेल फोन को ट्रैक करना हो या फिर किसी के खोए हुए फोन को ढूंढ निकालना हो। हाँ, हो सकता है कि आप में से अधिकतर लोगों को ये पता हो कि पुलिस आपसे मोबाइल IMEI नंबर मांगती है और फिर जाकर वो आपके फोन को खोज निकालती है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब हमारी आज की इस शानदार वीडियो का कोई भी बात आप मिस ना करें, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले तो एक बात आप समझ लीजिए कि पुलिस एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट करके नहीं बता पाएगी कि खोया हुआ फोन कहाँ पर है। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन भी पता की जा सकती है, लेकिन तब तक जब तक GPS टेक्नोलॉजी को काम में नहीं लिया जाता है। क्योंकि अगर आपके खोए हुए फोन पर GPS ऑन है तो आपके फोन की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाई जा सकती है, और अगर वो ऑन नहीं है तो पुलिस बिल्कुल सटीक जगह के बारे में नहीं बता सकती। जी हाँ, अगर हम सबसे पहले क्रिमिनल्स की बात करें तो पुलिस कैसे किसी क्रिमिनल को उसके मोबाइल लोकेशन ट्रैक करती है, तो यहाँ पर पुलिस इस तरह के नंबर को ट्रैक करने के लिए ट्रायंगुलेशन मेथड को काम में लेती है। अब आप सोचेंगे ये क्या होता है, तो दोस्तों मान लीजिए आपका जो फोन है वो किसी नेटवर्क टावर से कनेक्टेड है, तो ऐसे में दोस्त सिग्नल स्ट्रेंथ के हिसाब से एक आइडिया लग जाता है कि आपका फोन उस टावर से कितनी दूरी पर मौजूद है। जैसे कि आपका फोन किसी टावर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो 1 किलोमीटर की दूरी कहीं पर भी हो सकती है, जिसकी वजह से किसी को ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये चीज कितनी बारीकी से ट्रैक की जा सकती है वो भी 2G, 3G और 4G टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है। ऐसे में अगर हमारे पास दो अलग अलग टावर का डेटा आ जाए कि जो फोन है वो इस टावर से इतनी दूरी पर है तो वहीं दूसरे टावर से इतनी दूरी पर है, तो चीजें थोड़ी आसान हो सकती हैं। लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि हम तुरंत जाकर किसी को भी ढूंढ लें, क्योंकि इसमें भी बहुत समय लगेगा। इसी वजह से 3 टावर के डेटा को मिलाकर जो एग्जैक्ट लोकेशन बनती है उसी जगह को सर्च किया जाता है, क्योंकि इन 3 टावर से फोन की जो लोकेशन होती है वो एक ही जगह पर होगी, वो अलग अलग जगह नहीं हो सकती। ऐसे में उन 3 टावर से फोन नंबर की जो डिस्टेंस है वो अगर पता लग जाए तो बहुत आसानी से किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन ही पता चल जाए। हालांकि फोन किस एरिया में है इस बात का अंदाजा आपको लग जाएगा। अब अगर बात GPS की जाए तो GPS का सिस्टम अलग होता है। जैसे कि अगर आपने किसी दोस्त के मोबाइल फोन में GPS एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी है और आप उसे अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करके चला रहे हैं, तो इस केस में किसी को भी आसानी से ढूंढा जा सकता है। लेकिन जब बात इंटरनेट वगैरह की आती है तो इसमें IP एड्रेस मांगता है, और IP एड्रेस पता चल जाए तो पुलिस तुरंत जाकर किसी को भी उसकी सटीक लोकेशन पर ट्रैक कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे पुलिस कैसे किसी नंबर को ट्रैक करती है। लेकिन अब ये सवाल आता है कि पुलिस आपके मोबाइल फोन के खो जाने के बाद आपके फोन को किस तरह से ढूंढ निकालती है, अब उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों जब किसी का फोन खो जाता है तो पुलिस वाला उसके मोबाइल फोन का IMEI नंबर पूछता है, उसी नंबर की बदौलत फोन को ढूंढ निकाला जाता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस वाले करते कैसे हैं? तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आखिर ये IMEI नंबर क्या होता है। ऐसे में अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये एक यूनिट नंबर होता है जहां अगर आप अपने मोबाइल के डायल पर जाएंगे तो वहां पर #06# दबाएंगे तो आपके मोबाइल का जो IMEI नंबर होगा वो शो हो जाएगा। दोस्तों ये नंबर बहुत ही यूनिक होता है, और हर मोबाइल का अपना IMEI नंबर होता है जिसकी मदद से कोई भी पुलिस आसानी से उस फोन को ढूंढ सकती है जो खो गया है या फिर जिसे किसी ने चोरी कर लिया है। पर यहाँ सवाल उठता है कैसे, तो चलिए इसे हम आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जब कभी भी आपका मोबाइल फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए सबसे पहले आप पुलिस वालों के पास जाते हैं, और वहां पर पुलिस वाला आपसे आपके मोबाइल का IMEI नंबर पूछता है। और जैसे ही पुलिस वाले के पास आपके मोबाइल का IMEI नंबर आ जाता है तो उसके बाद वो उस IMEI नंबर को जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर होते हैं जैसे कि वोडाफोन, एयरटेल, जियो,
यानी कि जितने भी सिम कार्ड प्रोवाइड करवाने वाली कंपनीज होती है उन सभी को IMEI नंबर दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि इस नंबर को सर्विलेंस रखें, यानी कि निगरानी पर रखें। उसके बाद जब भी कोई यूजर उस फोन को इस्तेमाल करता है, यानी कि उस IMEI वाले नंबर को इस्तेमाल करता है जिसमें वो किसी भी तरह के सिम कार्ड को डालकर फोन ऑन करता है, तो उसके बाद जो भी IMEI नंबर होता है वो उस सिम कार्ड के टेलीकॉम ऑपरेटर के पास चला जाता है, जिसे टेलीकॉम ऑपरेटर को आसानी से पता चल जाता है कि सर्विलेंस में लगाया गया IMEI नंबर वाला फोन एक्टिव हो गया है। और ऐसे में वो लोग लोकेशन ट्रेस करके, जिसका मेथड हमने आपको पहले भी बताया कि किस तरह लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, जहां ट्रायंगुलेशन का इस्तेमाल करके तुरंत मोबाइल को ढूंढ लिया जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह पुलिस वाले मुजरिम के साथ साथ आपके मोबाइल फोन को भी टेक्नोलॉजी के इस एडवांस मेथड से ढूंढ कर निकाल देते हैं। इसलिए जब कभी भी किसी का फोन मिले तुरंत पुलिस को दे दीजिए, वरना अगर उन्होंने आपके हाथों से वो फोन पकड़ लिया तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। बाकी आपका इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही है, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।